हेलो दोस्तों, आज हम अपनी ग्रीक माइथोलॉजी में द माइटी टाइटन एटलस को जानने वाले हैं, जिसे ज्यूस के खिलाफ विद्रोह करने के कारण एक ऐसी सजा मिली जिसे उसे एटर्निटी तक झेलना पड़ा। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एटलस एयापीटस और एशिया का बेटा था, जिसके तीन भाई थे, प्रोमीथियस, एपिमीथियस और मिनोथियस, जो कि मैन की क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एटलस के पास इमेंस स्ट्रेंथ प्रेजेंट थी, जिस कारण उसे क्रोनस की आर्मी का कमांडर बनाया गया। अपनी इस आर्मी को लीड करते हुए एटलस ने ओलंपियन गॉड्स के खिलाफ टाइटेनोमाकी नाम की बैटल लड़ी। इस बैटल के दौरान एटलस के ब्रदर्स प्रोमीथियस और एपिमीथियस ने ज्यूस का साथ दिया, जबकि एटलस और मिनोथियस ज्यूस और बाकी गॉड्स के खिलाफ खड़े हुए। एटलस ने टाइटेनोमाकी को जीतने की तो पूरी कोशिश की, पर गॉड्स ने उन्हें उनकी इस बैटल में बुरी तरह से हरा दिया। सभी टाइटन्स को हारने के बाद टार्टरस की गहराइयों में दफना दिया गया, पर क्योंकि एटलस इस लड़ाई का लीडर था, ज्यूस ने उसके लिए एक अलग पनिशमेंट तैयार की। ज्यूस ने एटलस को गॉड्स के डिसीजन के खिलाफ जाने के कारण यूनिवर्स को अपने माइटी शोल्डर्स पर एटर्निटी तक उठाने का कर्स दिया। कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज और फिक्शन में इसे अर्थ की तरह दिखाया जाता है, बट ये एक्चुअल यूनिवर्स है। एटलस अपनी पनिशमेंट के कारण अपनी जगह से हिल तो नहीं सकता था, पर फिर भी एटलस के दो मोस्ट फेमस ग्रीक हीरोज के साथ मिथ सामने आते हैं, जो है हरकुलिस और पर्सियस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मिथ, यूरिस्टियस के ऑर्डर के कारण हरकुलिस अपने लेबर्स को पूरा करने में लगा हुआ था। तभी एक दिन यूरिस्टियस ने हरकुलिस को हिस पैराडाइज के गोल्डन एप्पल को लाने को कहा। हिस पैराडाइज एटलस की बेटियां थी, जिसे उसने हिस पैरिया के जरिए जन्म दिया था, जो अपने गार्डन में इन गोल्डन एप्पल्स का ध्यान रखती थी। ये गोल्डन एप्पल बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और प्लम्पी थे। हरकुलिस जब इन एप्पल्स को लेने आया तो उसकी मुलाकात एटलस से हुई। उसने अपने लेबर के बारे में एटलस को बताया। एटलस हरकुलिस की मदद के लिए तैयार तो हो गया, पर बदले में उसने हरकुलिस को तब तक यूनिवर्स का भार संभालने को कहा जब तक कि वो उन गोल्डन एप्पल्स को नहीं ले आता। हरकुलिस ने ऐसा ही किया, पर जब एटलस एप्पल को लेकर आया तो उसने सोचा कि क्यों न यूनिवर्स का भार हरकुलिस के कंधों पर हमेशा के लिए डाल दिया जाए, और वो वहां से जाने लगा। तभी हरकुलिस ने अपने लॉयन कोट को पहनने के बहाने यूनिवर्स को दोबारा एटलस को पकड़ा दिया, और वो इन गोल्डन एप्पल्स को लेकर वहाँ से भाग गया। दूसरे मिथ के हिसाब से, जब पर्सियस मेड्यूसा के सिर को अपने साथ लेकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एटलस से हुई। पर्सियस ने जब मेड्यूसा को मारने की खबर एटलस को सुनाई तो एटलस ने उसे एक मजाक समझकर हंसी में टाल दिया। अपने आप को प्रूफ करने के लिए पर्सियस ने मेड्यूसा के कटे हुए सिर को एटलस को दिखा दिया। मेड्यूसा की आंखों में देखने के कारण एटलस पत्थर में बदल गया, और तब से एटलस को एक माउंटेन रेंज की तरह जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी माइटी टाइटन एटलस की स्टोरी, जिसने वैसे तो कोई बड़ी गलती नहीं की, पर द अल्टीमेट गॉड ज्यूस के खिलाफ विद्रोह करना उसे एटर्निटी तक के लिए भारी पड़ गया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।